दमन कची गांव में कृषि विभाग द्वारा किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य के साथ हुआ था कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में किसानों को दिया गया था जरूरी मार्गदर्शन। संघ प्रदेश सिलवासा और दमन में कृषि विभाग द्वारा किसानों को जागरूक करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष बाबू भाई पटेल ने किसानों को FPO के बारे में आवश्यक नैतिक सपोर्ट करने का वादा किया है। तो दमन उन्होंने किसानों को किसान उत्पादन संगठन बनाने पर तवज्जो दिया था। सोसाइटी बनाकर किसान अपनी फसल बाजार में वाजिबी कीमतों पर बेचकर अच्छा लाभ और कमाई कर सकते हैं। इसके लिए हर एक पंचायत में FPO का संगठन करना चाहिए। इसके लिए जिला पंचायत भी सहयोग करेंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के तवज्जो ने किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया था। आयोजित कार्यक्रम में संयुक्त कृषि सचिव डॉक्टर प्रांजल हजारिका और कृषि अधिकारी उपस्थित रहे थे। तो इस तरीके से आपको देखा जाए तो इस स्कीम में आपको खुद को कुछ भी नहीं करना है। आपके खुद को जो है गवर्नमेंट जो है स्कीम सब्सिडी सब कुछ प्रोवाइड कर सकती है। इनको जो बेसिस पे ये करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इससे फेयर नहीं किया जा सकता। NCDC को हमने इनवाइट किया था इसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि हमें हमारे जो क्षेत्र के जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, जो खेडूत है, उनको जागरूक करना था फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के क्या फ़ायदे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसमें कि FPOs फॉर्मेशन करते हैं विलेज लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे, तो इसी की अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया गया था। ये प्रोग्राम, ये जो ट्रेनिंग है, ये बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो आज सुबह हमने सिलवासा दादा नगर हवेली को कवर किया था और वहाँ करीब 200 से 250 फार्मर्स आए थे। उसी तरह से आज यहाँ करीब 100 से 150 के करीब फार्मर्स आए हैं और ये इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम हम आगे और करना चाह रहे हैं और इससे बड़े लेवल पे करेंगे, क्योंकि हम लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट में हम भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन जाए, जिससे कि यहाँ के लोकल फार्मर्स को फायदा होगा। आ कार्यक्रम ने अंदर दमण जिला ने विविध पंचायतों माथी आश्रे 100-150 खेडूतो जोड़ायेला हता। आ कमिटी नी अंदर पहला तो सौ प्रथम जे जमीन धारक खेडूत छे जेनु 1/14 मां नाम छे, एक ई खेडूत तो 10-11 थी वधारे सभ्यो अने वधारामां वधारे 300 सभ्यो सिंधुनु एक मंडळ बनावी शके छे। अने आ मंडळ आ सोसायटी एक्ट नी अंदर रजिस्ट्रेशन करावी अने पछी FPO माटे आगळ वधी शके छे।